लाल रंग। प्यार की बरसात में भीगे मुकुंद और रेणुका। सीरियल हमारी वाली गुड न्यूज में आ गया है मौसम प्यार का। बारिश में देखिए तो जरा कैसे मुकुंद और रेणुका भीग रहे हैं। जहां लाल साड़ी में रेणुका लग रही हैं बेहद खूबसूरत, तो वहीं उन्हें कॉम्प्लीमेंट करते हुए इस रेड शर्ट में मुकुंद भी काफी हैंडसम लग रहे हैं। भाई वैलेंटाइंस डे तो बीत गया, लेकिन इन दोनों के सर से प्यार का खुमार नहीं उठता है। तभी तो देखिए कैसे एक दूसरे में खोए हुए हैं और फरमा रहे हैं आशिकी। आपको ज्यादा ही डिले हुआ है, 27 साल बाद शुरू हुआ है। इनके बीच तो 27 वैलेंटाइंस डे निकल गए, कभी हुआ ही नहीं कुछ। सो आज ऐसा अचानक क्या हो गया जो दोनों एकदम लाल लाल रंग हुए? वैलेंटाइन डे का रंग है, प्यार का रंग है, यही तो स्टोरी में चेंज आया है। रेणुका के बारे में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी मुकुंद को, वो सब क्लियर हो गई हैं और अब उन्हें रियलाइज हुआ है कि कितने साल निकल गए हैं जब उन्होंने उसके साथ गलत किया या उसे प्यार नहीं किया। तो अब जब प्यार हुआ है तो बेइंतहा हुआ है और भरपाई करनी है इतने सालों की। वी डजंट वांट टू वेस्ट इवन अ डे, सो एवरी डे तिवारी जी कम्स अप विद समथिंग न्यू एंड रोमांटिक एंड नाइस टू मेक रेणुका हैप्पी। सो आज क्या अनोखा कर रहे हैं तिवारी जी? ये तो आपको देख के पता चलेगा जब आप टेलीकास्ट देखेंगे। तो काफ़ी सब चीज़ें प्लान की हैं इसने, जैसे आज तक इसने कभी नहीं किया था मुकुंद जैसे कैरेक्टर में, जैसा कि कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया गया। तो मतलब रोमांटिक एंगल तो इसका शुरू से कभी नहीं था, और ये अभी पिछले कुछ एपिसोड से जहाँ से इसे वापस प्यार का महत्व उसे समझ में आया है, उसका मतलब क्या होता है किसी के जीवन में। तो हमारा भी यही कहने का या दिखाने का हमारा यही एक मोटिव होता है कि जिन लोगों की लाइफ से स्पाइस निकल चुका है, रोमांस निकल चुका है, जो ऐसे हैं, तो वो भी जब प्यार में वापस पड़ते हैं तो उन्हें भी इन सब चीज़ों की रियलाइजेशन होती है कि यार नहीं यार कितनी एक कमाल की चीज़ है रोमांस, प्यार, लव, ये सब चीज़ें। तो हमारे दिखाने का भी मेनली जो शो के अंदर दिखाने का होता है वो भी यही होता है कि वापस लेके आओ, प्यार बांटते चलो। सो हम देखने वाले हैं, मतलब एक रेन डांस होने वाला है यहाँ पे। हाँ, रेन डांस या कहें रेन रोमांस। रेन रोमांस, अब डांस कम रोमांस ज्यादा है। प्यार होगा, रोमांस होगा, और बारिश बारिश ना हो, फूल के पत्ते ना हो, हवा ना चले, तो ये सब प्रतीक हैं प्यार के, रोमांस के, लव के, जो भी कहा जाता है। लाल रंग हुआ, ये भी एक बड़ा एक सेंसुअस सा कलर है जिसको कहा जाता है। तो टिप्पणी ना, आपने सारी टिप्पणियां कर दी। अच्छा, ऐसा है।
भाई नई नई शादी हुई है, ऐसे में रोमांस तो बनता है ना। भाई हम तो यही कहेंगे कि आपकी इस रोमांटिक डेट और इन खुशियों में कोई ट्विस्ट ना आ जाए। तो सास बहू और बेटियाँ आज पहुँचा है हमारी वाली गुड न्यूज़ के सेट पे, और इस वक्त हमारे साथ है वो जो ढेर सारी गुड न्यूज़ आपको सुनाने वाले हैं रोमांस की। जैसा आप लुक देख रहे हैं, लाल रंग में दोनों नजर आ रहे हैं नीचे से ऊपर तक। सर ने ब्लैक जरूर पहना है, डेनिम्स ब्लू। सो सबसे पहले तो आप दोनों का अटायर काफ़ी अलग है, और ऑडियंस को काफ़ी सारे रिएक्शंस आने वाले हैं क्योंकि आप दोनों को इस रूप में वो देखने वाले हैं, राइट? या आई एम श्योर उन्हें अच्छा ही लगेगा देखकर, क्योंकि वो सभी वेट कर रहे थे इतने टाइम से कि कब फाइनली सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होंगी और रेनू मुकुंद साथ होंगे। सो पहले रेनू मुकुंद साथ होने वाले हैं, और जब बात करें टीवी रोमांस की, तो आई रियली वांट टू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेलीविजन रोमांस या फिल्मी रोमांस। हाँ मतलब रोमांस है तो फिल्मी है, अपने आप ही है, मतलब गाने बजे तो फिल्मी हो गया ना ऑटोमेटिकली। अब उसको क्या टीवी और क्या फिल्म में डिवाइड करना, प्यार प्यार होता है, थोड़ी उसके लिए कोई मीडियम देखा जाता है। तो शक्ति सर व्हाट इज लाइक, बिकॉज़ ऐसा ऑब्वियसली रियल लाइफ में थोड़ी इतना कोई करता है या करते हैं? नहीं, रियल लाइफ में तो तीसरा बंदा आ जाए तो आपसे प्यार नहीं हो जाता। यहाँ तो 50 लोग माइक ले लेके घूमे पड़े होते हैं हमारे अंदर, कोई यहाँ पे कान में क्यों दे रहा होता सर, बाल 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 बढ़ाओ सर, मुझे फूक कर फूक मारो फूक ऐसे कर दो। ये रोमांस होता है एक्चुअली, जो आपको देख के लगता है टीवी में कि ओ हो अरे क्या बात है। लाइक एग्जांपल, हमने रिसेंटली एक काफ़ी रोमांटिक सीन शूट किया था जिसमें हम पल्लू के अंदर थे। सो हमारे कैमरामैन भी पल्लू में बैठे हुए थे और डायरेक्टर भी पल्लू के अंदर ही बैठ के वो क्यूज़ दे रही थी क्योंकि गाना चला था तो हमको उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो फ्रेम ऐसा था कुछ कि मेरा हाथ इधर था और हम लोग ऐसे फेस से ही कर रहे थे जो करना था, तो कैमरामैन ने धीरे से बोला मैम फ्रेम में हाथ भी है फ्रेम में। ओ तो हाथ से भी सब शुरू हो गया। तो अभी भी जैसा हम देखें थोड़ा करीब आई है थोड़ा दूर है, तो कैसे बैकग्राउंड में वॉइस ओवर चलते हैं? ये मास्टरी होती है, ये करना पड़ता है। ट्यूनिंग, इट्स अ ट्यूनिंग। ये 20-20 25-25 साल के एक्सपीरियंस हम लेके बैठे हुए हैं ना, ये मतलब जो कान पे जू नहीं रहती हमारे, जब आप सीन में होते हो सिर्फ इंस्ट्रक्शन लेते रहो लेकिन आप एक्सप्रेशन वैसे ही आप देते हैं, ऐसे बिल्कुल प्यार ना पड़े। लेफ्ट राइट मत काटो, चलो अब डायलॉग बोलो। हाँ बोलिए। श्रुति बजाजिया, मुंबई आज तक।